हाय, मैं हूं रुचि और आप देख रहे हैं स्टोरी बॉक्स। और इस वक्त लेकर आई हूं एक खास कहानी आपके लिए। दरअसल कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, आफ्टर ऑल बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे सफर आपस में मिलजुल कर जो चलते हैं। तो चलो ऐसे ही एक सफर पर मैं आपको लेकर चलती हूं, जहां पर बात हो रही है एक घोड़े की। जी हाँ, और उसके मालिक की। आफ्टर ऑल ये दोनों कर क्या रहे हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बता रही हूँ, ये दोनों निकले हैं एक सफर पर। इस सफर पर निकल तो पड़े हैं, पर इंसान का साथी घोड़ा इस बार समझदारी नहीं दिखा रहा, बल्कि उसके राह की बाधा बन रहा है। क्यों बन रहा है वो उसके राह की बाधा? अगर आप इस सवाल पर अटके हैं तो इस सवाल का छोटा सा जवाब ये है कि भाई, जब हम घोड़े के साथ सफर करते हैं तो अक्सर उम्मीद करते हैं कि घोड़ा हमें कुछ ही पलों में हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, क्योंकि काफी काबिल और समझदार जानवर जो है। पर ये काबिलियत अक्सर कमजोर पड़ जाती है जब उसे राह में घास दिखाई देती है या फिर भाई पानी दिखाई पड़ता है। और ऐसा ही हो रहा था उस राहगीर के साथ, जिसके रास्ते में पड़ने वाला हर पानी का पड़ाव या फिर घास का पड़ाव घोड़े को अपनी ओर खींचे जा रहा था और घोड़ा उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। अब चलो, घोड़ा हर पड़ाव पर मुड़ जाता और खाने के लिए रुक जाता, सुस्ताता, टहलता और राह पर वापस नहीं लौटने की जिद करता। और बेचारा राहगीर उसे बार बार खींचकर राह की तरफ ले जाता। आफ्टर ऑल उसे एहसास हुआ कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राहगीर ने बहुत सोचा, क्या परेशानी है घोड़े के साथ? इतना समझदार और ताकतवर जानवर है, फिर क्यों ये इतना ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है? चलो जी, इस बात पर वो सोच ही रहा था तो उसे ख्याल आया कि जो उनका घोड़ा है ना, उसकी जो नजर है वो 180 डिग्री पीछे देख सकती है। यानी कि घोड़ा अपने आसपास की हर एक चीज पर ध्यान लगा सकता है, अपने आसपास की हर एक चीज को देख सकता है, और इसी वजह से वो अपनी मंजिल पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, बल्कि आने वाली घास या फिर आने वाले पानी के पड़ाव की तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए राहगीर ने लगाई एक खास युक्ति, उसने इस्तेमाल की घोड़ा ऐनक। घोड़ा ऐनक पता है ना आपको क्या होती है? घोड़ा ऐनक होती है एक ऐसी ऐनक जिसकी वजह से घोड़ा ना अपने दाएं देख सकता है ना बाएं, बल्कि उसकी निगाह ऐसे हो जाती है। और ये काले रंग की जो ऐनक या फिर काले कपड़े की ऐनक जब उसे लगाई गई तो घोड़ा जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अक्सर इंसान के साथ भी यही होता है कि हम ना हर तरफ देखते हैं क्या हो रहा है अपने आसपास, कोई क्या कहता है, कितनी शिकायतें करता है, सब हमें पता होता है, पर हमारी मंजिल हम रास्ते में भूल जाते हैं। अगर आप भी अपनी मंजिल रास्ते में भूल जाते हैं ना, तो वहां पर रुकने की जरूरत है और आपको भी घोड़े की तरह घोड़ा ऐनक लगाने की जरूरत है। एक बार लगाकर देखिए और फोकस करके देखिए, आप जो भी मंजिल हासिल करना चाहते हैं वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ, तो अगली बार कुछ भी बड़ा करना हो, कोई भी मंजिल हासिल करनी हो, तो अपने फोकस को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उसी खास मंजिल पर लगाएं। मतलब पूरा ध्यान लगाएं जो चीज हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए कोई भी घोड़ा ऐनक आप लगा सकते हैं, और पूरा विश्वास रखें आप अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आकर कि कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को फोकस रखने के लिए, कौन सी घोड़ा ऐनक आप लगाते हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आकर। और इसके साथ ही आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके दोस्तों को भी और आपके अपनों को। जी हाँ, तो जरूर शेयर करें। इसी नोट के साथ देखते रहें स्टोरी बॉक्स।